फिरोजाबाद में श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में तहसील सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुश्री विकल्प जी, उप जिलाधिकारी और पुष्कर मिश्रा जी तहसील सदर फिरोजाबाद, विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर गुप्ता जी नगर शिक्षा अधिकारी, श्री हिमांशु शर्मा इलेक्शन नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर दिव्यांग आइकन चुने गए। मुख्तार आलम व तहसील स्तर पर दिव्यांग आइकन चुने गए। मनोज कुमार नागर जी को श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुष्कर मिश्रा जी ने कहा कि जिन लोगों का निर्वाचन लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया है या जिसके नाम में गलती है, फोटो गलत लगा हुआ है, वे अपने वोटर कार्ड बनवाने के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम सही करवाए व जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं वे अपना नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी नगर शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हर दिव्यांग को जागरूक होने की जरूरत है। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव को अधिक समावेशी बनाने के लिए दिव्यांगों को और वंचित वर्गों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए एक जागरूकता के प्रचार प्रसार करने हेतु समिति बनाई गई है विधानसभा स्तर पर। और उस समिति के माध्यम से ये उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। दिव्यांगों का प्रतिशत मतदाता सूची में कम है, इसलिए ये हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे संपर्क स्थापित करके और उनको प्रेरित किया जाए कि जो आगामी हमारा विशेष संचित प्रशिक्षण चल रहा है और आगामी तिथियां हैं उसकी, उनमें उनको बूथ तक लाया जाए और मतदाता सूची में नाम उनका लगाया जाए। इसी उद्देश्य से हमारे जो सक्रिय दिव्यांग हैं मदद हमारी समिति के, उनके प्रयास से और हमारी SDM मैडम के दिशा निर्देशन में ये कोशिश थी कि आज यहाँ सभागार में एक बैठक का आयोजन किया जाए। और जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे हमारे साथी उपस्थित हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी मतदाता सूची बेहतर बने पहले से और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को हम आच्छादित कर सकें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।